Now, how the electron revolve around its orbit, we are considering here. There is a nucleus located at center position, positive charge, and the electron that is revolving around its periphery. So how it revolve? Due to the force of attraction between the positive charge ion and the negative electron. तो इसके कारण ये आपस में अट्रैक्ट होते रहते हैं, तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, डेट विल प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इट विल रिवॉल्व अराउंड दिस ऑर्बिट. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप देम इन देयर ऑर्बिट, और वी कैन से कीप द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट. सो फॉर द डायनेमिकल स्टेबल हम यहाँ ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, सो हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर एटम ले रहे हैं वो कौन सा है, मतलब पर्टिकुलर एटम ले रहे हैं वो है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के केस में हमें पता है उस पर कितने आयन होते हैं, तो वो नेगेटिव आयन माइनस होता है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा डेट इज इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव वन, बिकॉज हाइड्रोजन एनी ऑफ द एटम मस्ट बी स्टेबल. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यही फोर्स जो अट्रैक्शन यही प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो वी कैन से दैट बोथ आर इक्वल, एंड हेयर वी टेकिंग एन फॉर एग्जांपल एज ए हाइड्रोजन एटम. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में कितनी होगी दोनों के, दैट दोनों का चार्ज न्यूक्लियस और दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन का 4πε इंटू आर स्क्वायर. तो दैट आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है एम वी स्क्वायर बाई आर होती है. सो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ आर दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 4πε नॉट इनटू एम वी स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट ऑर्बिट रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी. दिस इज द ओनली द मैग्नीट्यूड. इफ यू टेक द डायरेक्शन इट कम्स आउट टू बी माइनस. हाउ इट इज माइनस, बिकॉज इट इज द पॉजिटिव वन आयन and it is the negative one. So positive into negative that become minus. So the value comes out to be minus E scale. So before going to the total energy, we have to consider a case in which alpha particle move with the initial kinetic energy. तो क्या कह रहा है, alpha particle शुरू से चल रहा है, एक kinetic energy से चल रहा है, तो क्या होता है, it is directed toward the center of the nucleus. ये nucleus के center की तरफ जाता है, जो alpha particle central line पे होता है. तो क्या होता है, देयर इज ए रिपल्शन फोर्स. जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक जाएगा तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव टू ई है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव आयन है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी. दैट रिपल्शन, तो ये रिपल्शन क्या करेगी, जैसे जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो रिपल्शन इंक्रीज होगी, उस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैन अल्फा पार्टिकल विल डिक्रीज. So this Coulomb repulsive force between the nucleus and the alpha particle will decrease the kinetic energy of the alpha particle. Clear? This if the kinetic energy will decrease at that moment, the velocity goes to zero, then that whole kinetic energy will change into that electric potential energy of the alpha particle. At मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी एट सर्टन पॉइंट, और एट सर्टन डिस्टेंस क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी गोज टू जीरो, द होल काइनेटिक एनर्जी विल चेंज इनटू दैट पोटेंशियल एनर्जी. सो फर्स्टली वी फाइंड द दैट पोटेंशियल, देन वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट वी हैव स्टडीड इन द सेकेंड चैप्टर, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर नॉट ड्यू टू न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के कारण, इस न्यूक्लियस के कारण इस अल्फा पार्टिकल पे कितना पोटेंशियल लगेगा, दैट इज द चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस अपॉन 4πε0 इनटू आर नॉट. दैट इज दिस वन, चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस अपॉन 4πε0 इनटू आर नॉट, अ पोटेंशियल एनर्जी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द सेकंड चैप्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो यहां पे जो अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है उस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, तो पोटेंशियल न्यूक्लियस का इनटू इट्स का अल्फा पार्टिकल का चार्ज, पोटेंशियल न्यूक्लियस का और चार्ज अल्फा पार्टिकल का. तो हमने पोटेंशियल न्यूक्लियस का पहले निकाल रखा है, तो इसको अल्फा पार्टिकल के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जेड ई इंटू टू ई
upon 4 by epsilon naught into r naught. This is the potential energy of an alpha particle at distance r naught from the nucleus. जब वो एक डिस्टेंस r नॉट पे होगा तो उस पॉइंट पे इस अल्फा पार्टिकल में कितनी पोटेंशियल हो एनर्जी होगी, डेट इज द जेड ई इंटू टू ई अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट. दिस इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल.